राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शरीक होने को लेकर राहुल गांधी ने अपना स्टैंड साफ कर दिया है। राहुल गांधी ने कहा कि वो प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शरीक नहीं होंगे। इसका कारण बताते हुए राहुल ने कहा कि उद्घाटन कार्यक्रम राजनीति से प्रेरित है। भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने कहा कि राम मंदिर उद्घाटन कार्यक्रम का राजनीतिकरण हो गया है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि पीएम मोदी और आरएसएस ने इसे अपना कार्यक्रम बना दिया है और इसी कारण पार्टी के प्रमुख नेताओं ने इसमें शामिल नहीं होने का फैसला किया। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर राहुल गांधी ने कहा कि आरएसएस और बीजेपी ने समारोह को पूरी तरह से नरेंद्र मोदी समारोह बना दिया है। उन्होंने कहा कि ये आरएसएस बीजेपी समारोह बनकर रह गया है, इसलिए कांग्रेस अध्यक्ष ने जैसा कहा कि वह ऐसा करेंगे, समारोह में शामिल नहीं होंगे। राहुल ने कहा कि हम सभी धर्मों सभी प्रथाओं के लिए खुले हैं। उन्होंने कहा कि आरएसएस और बीजेपी ने 22 जनवरी को कार्यक्रम को नरेंद्र मोदी का फंक्शन बना दिया, यही कारण है कि कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि वह इस कार्यक्रम में नहीं जाएंगे। हालांकि राहुल गांधी ने यह भी कहा कि कांग्रेस पार्टी का कोई भी व्यक्ति जो दर्शन के लिए जाना चाहता है तो वो जा सकता है। प्रभात खबर.com विश्वास वही रफ्तार नहीं।